नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SEO युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, मैं बहुत सारे लोगों को ये देखता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डिविडेंड स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में एंड मेनी अदर थिंग्स विच इज़ लिस्टेड ऑन द इंटरनेट। बट गाइस, मैं आपको जो आज तरीके बताऊंगा वो एक स्टेप वाइज होगा। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है गाइस, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया कैसे जाना चाहिए, उसका एक अच्छा तरीका कैसे होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मेक श्योर कि वीडियो के साथ पूरी तरीके से बने रहिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन से बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देखी जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना इस वीडियो को, अगर आप कर सकते अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ गाइस। दोस्तों, मैंने जब इन्वेस्टमेंट के लेकर किसी और की वीडियोज़ को देखा, बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, लेकिन गाइस मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब किसी बंदे के पास मनी नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा। देखिए, हमारे पास सपने बड़े होते हैं गाइस कि हम इन्वेस्टमेंट करके आगे चल के करोड़ों कमा लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है गाइस जिन्होंने थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा रिस्क लेके जो है पैसा बना लिया है, लाइक राकेश झुंझुनवाला, जो कि आज अरबपतियों की लिस्ट में है इंडिया में और 52वें नंबर पर आते हैं अपनी भारत की सबसे अमीर व्यक्तियों में। गाइस, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत रिस्क लिया और उन्होंने शेयर मार्केट से ही बहुत सारा पैसा कमा लिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको जो है तुरंत शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मैं आपको जो है ऐसे तीन स्टेप में बताऊँगा, ऐसे तीन तरीके बताऊँगा जहाँ से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी किसी भी पोजीशन पे नहीं हो, अगर आप अपने घर वालों के पैसे पे अगर आप रह रहे हो, तो आप प्लीज़ क्रिप्टो और शेयर मार्केट से अभी के लिए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों का ही क्रेज़ जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है और इमीडिएट आप पैसे बनाओगे तो इमीडिएट आपको हाई रिस्क भी होगा, यानी कि आपको जो है हाई रिस्क के साथ पैसे बनेंगे। मैंने गाइस, मैं खुद पैसे ज़्यादा खो चुका हूँ क्रिप्टो में और शेयर मार्केट में, और मैंने बहुत सारा पैसा बनाया भी है और रिसेंटली मैंने इन्वेस्ट भी किया है। अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो ये 35,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं अप्रॉक्सीमेटली क्रिप्टो करेंसी में, और ये कुछ मेरा पैसा है गाइस जो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हूँ, जो कि लॉस में है। बट गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट अब करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं जो है पैसे कमाता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इज़ नेवर कोलैप्स। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है गाइस जो आपका कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर आपने खुद को सिखाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप लाइफ में कहीं भी रह के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा ब्लॉगिंग में, इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा आपके खुद के बिजनेस में, इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा आपके खुद के स्किल्स में, इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा आपके खुद के एजुकेशन में। गाइस, ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अपनी लाइफ में। जब आप इनसे पैसे जनरेट करोगे तब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, वो है गाइस आपका क्रिप्टो करेंसी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक इंस्टेंट मनी जनरेटिंग सिस्टम है गाइस, आपको वहाँ पर बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी, बहुत जल्दी आपको पैसा बनेगा, लेकिन आपको रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पैसे जितनी जल्दी बनेंगे उतनी जल्दी वो डूब सकते हैं। तो आप क्रिप्टो करेंसी में सोच समझ के निवेश कीजिए और कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज को चूज कीजिए, ETC, ADA, वजीरेक्स, ये कुछ क्रिप्टो करेंसी हैं जिनको आप इन्वेस्ट कीजिए, ये आपको रिटर्न देंगी जरूर। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वजीरेक्स में इन्वेस्ट कीजिए। भारतीय कंपनी है, मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की लीगलाइजेशन को लेकर के भारत अभी भी श्योर नहीं है। इसलिए अपने भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी भारतीय कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। आप वजीरेक्स में कीजिएगा, वजीरेक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं भी वजीरेक्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों, हमारे पास जो तीसरा आता है वो है स्टॉक्स। गाइस, शेयर मार्केट मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंने सबसे लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि ये मेरे लिए तीसरे स्टेप में आता है। यहाँ पर आपको जो है पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी मल्टीबैगर स्टॉक या फिर पेनी स्टॉक में पैसा लगाने नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और इसके लिए आपको पैसा भी ज़्यादा चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में पेशेंस भी रख रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश भी कर रहे हो और आप 10,000 रुपये निवेश कर रहे हो तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। मैंने सिर्फ 12-15,000 मैंने उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया था गाइस, बट मैंने पैसे वापस ले लिए हैं इसलिए वो आपको कम दिख रहा है, वरना मैं डेली का 1,200 रुपये मतलब 1,000-1,200 रुपये वो प्रॉफिट में रहता था, बट मैंने पैसे निकाल लिए, वो लॉस में नहीं है, वो एक्चुअली मैंने प्रॉफिट पहले से निकाल लिया। तो गाइस, शेयर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा, इसके लिए आपको जो है ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे।
तो आपको जो है 3 स्टेप के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक बिगनर हो इन्वेस्टमेंट में, तो गाइस सबसे पहले आप अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, इसके बाद आप जा कर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई, आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना इस वीडियो को। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट्स दैट यू विल बी इन प्रॉफिट इन योर लाइफ वेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज। आप मेरी वीडियोज को देखो, आप कुछ नया सीखो, ये मेरी हर बार की तरह एक चॉइस होती है। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।